देखिए, पाँच छः प्याज लिए हैं। अब प्याज हम मही मही काट लेते हैं, लम्बा लम्बा काटेंगे प्याज के। अब छुड़ा लेते हैं, देखिए ऐसे ही सब छुड़ा लेंगे। ये कितना पतला पतला काटे हैं, और दूसरा और काट लेंगे। सब पीस सब पीस नहीं कटेंगे। देखिए चूल्हा धरा लिए हम, आज इसमें पतला रख दिए हैं। अब पतला में पानी डाल देते हैं, आधा पतला पानी डाल देंगे। दोस्तों नमस्कार, हमारा चैनल में आपको स्वागत है। देखिए आज हम मुर्गा बिरयानी बनाएंगे। आज हम बिल्कुल गांव के तरीक़ा से, आसान तरीक़े से बनाएंगे। आप लोग हमारा वीडियो बना रहिएगा, हम अब बनाने को शुरू करते हैं। पानी गर्म होने को रख दिए हैं, और देखिए आई बिरयानी चावल ले लिए हैं। कितने बड़े चावल है, लम्बा लम्बा, देखिए देखिए पानी उबल गया है। अब इसमें हम देखिए थोड़ा हम इसमें रिफाइंड डालते हैं, ये चावल एक में ही सटेगा। रिफाइंड डाल दिए, अब चावल के हम दो तीन पानी बढ़िया से धो लेंगे। चावल थोड़ा रगड़ रगड़ बढ़िया से धोएंगे। चावल को दो तीन पानी धो लेते हैं, जितना व्हाइट व्हाइट है सब निकल जाएगा। चावल का दो तीन पानी धो लिए हम, फिर अब चावल हम डाल देते हैं। चावल हम देखिए चला लेते हैं बढ़िया से, ये पानी बढ़िया से मिल जाए। चावल को हम अच्छा से पकाएंगे। चावल हम आधा पका लिए हैं, अब देखिए उतार लेते हैं। ये चावल आधा पक गया है, उतार लेते हैं। देखिए जाली वाली थाली है, अब इसी में हम चावल को छान लेते हैं। ये चावल आधा पक गया है, रिफाइंड तेल डाल देते हैं। चावल चावल नहीं सटा है, देखिए कितना फाका है। चावल निकाल लिए हम, अब इसमें पानी से ढोल देते हैं चावल के, धो देते हैं। थोड़ा सा पानी इसमें लगेगा, डाल देंगे चावल को पानी। चावल देखिए धो लेते हैं, चावल को अच्छे से धो लेते हैं, जो गर्म नहीं रहेगा तो पकेगा नहीं। देखिए चावल हम ठंडा पानी से धो लिए हैं, अब ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तेल का अच्छा से गर्म कर लेंगे हम, तेल गर्म हो गया। अब देखिए अच्छा लगता है, हम डाल देते हैं प्याज को, हम अच्छी तरह से लाल करेंगे। देखिए प्याज धीरे धीरे लाल होने लगा, देखिए तब तक प्याज लाल हो रहा है, तब तक हम मुर्गा काट लें। देखिए मुर्गा है, अब मुर्गा काट लेते हैं हम, छोटा छोटा पीस बनाएंगे। दोस्तों हम मुर्गा बिरयानी बना रहे हैं, आप लोग कितने लोग खाते हैं कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। हम सभी मुर्गे काट लिए, देखिए प्याज लाल हो गया, अब प्याज हम निकाल लेते हैं। कितना प्याज देखिए लाल हुआ है। देखिए मुर्गा हम धो लेते हैं, प्याज को रख दिया ठंडा होने के लिए, और पहले हम मुर्गा बढ़िया से धो लेते हैं, निकाल लेते हैं बढ़िया से। अब सभी मुर्गा धो लिए हम, दो पात डाल देते हैं। तेजपात डाल देते, तेजपात लाल हो गया, अब इसमें प्याज डाल देते हैं। प्याज के हम अच्छे से लाल कर लेंगे। मसाला पीसा हम, जीरा गोलकी लहसुन
अब हम गरम मसाला जिसे है अब डाल देते हैं। प्याज मैंने से डाल हो गया, एक चम्मच लाल मिर्च डाल देते हैं, थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर एक चम्मच। देखिए मसाला को अच्छे तरह से भून लेंगे हम। गरम मसाला मसाला में पीसे हैं, आप चाहे तो चावल में डाल सकते हैं, उबालते समय हम नहीं डालें उसमें। देखिए मसाला कितना बड़े भून लिया, लाल हो गया मसाला। अब इसमें हम मुर्गा डाल देते हैं, मुर्गा डाल देते हैं, मुर्गा डाल के बढ़िया से भूनेंगे। मुर्गा का मसाला में डाल के हम भूनेंगे अच्छी तरह से, पानी डाल के तब पकाएंगे हम। बिल्कुल धीमे धीमे आज को हम भूनेंगे। अब थोड़ा नमक डाल दें पहले, स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, नमक को बढ़िया से मिला देते हैं, बढ़िया से भून लेंगे और तब हम पानी डालेंगे। इसे भून भून लिया, बढ़िया में लाल हो गया खूब बढ़िया। और पानी डाल देना थोड़ा पक जाए। अब ढक देते हैं, ढक दिया, अब अच्छी तरह से पका लेंगे हम। पकने लगा अब सुखा लेंगे, तो उतारेंगे। देखिए देखिए चिकन पक गया बढ़िया से, गाढ़ा हो गया है, अब उतार लेते हैं। देखिए एकदम लटपुटोट हो गया, बढ़िया से पका लिए। अब देखिए उतार लेते हैं। देखिए हम नीचे पहले घी डाल देते हैं, देसी घी है, करकरा लिए हैं। देखिए चारों तरफ फैला लेते हैं। अब इसमें झोल नीचे डाल दिए, चावल डाल देते हैं, चावल हाथ डालते हैं। अब इसी पर से हम चिकन डाल देते हैं। देखिए चार पांच हरा मिर्चा डाल देते हैं, प्याज हम भूज के रखे थे, प्याज डाल देते हैं। जो प्याज डाल दिए, भूजा हुआ प्याज, बचा हुआ चावल हम सब डाल देते हैं। धनिया पता नहीं है इसलिए नहीं डाल, धनिया पत्ता डाले हम। जितना चिकन बचा हुआ है ऊपर से चिकन डाल देते हैं हम। ये सब जगह हम चिकन डाल दिए। हरा मिर्चा चरफन ठो डाल देते हैं, मिर्चा डाल देने से स्वाद बढ़िया हो जाता है। देखिए जब प्याज भूज कर रखे थे तो प्याज हम डाल देते हैं, भुजा प्याज डालने से स्वाद बढ़िया होता है, खाने में खूब बढ़िया लगता है, स्वाद आता है। सब चीज़ डाल दिए हैं। देखिए बिरयानी मसाला ले लिए हैं, अब बिरयानी मसाला डाल देते हैं, फुटकर डाल दे। देखिए फुटकुड़ हम बढ़िया से मैंने डाल देते हैं, बना लिए हैं, घोर लिए हैं, फूड कलर डाल दिए हम। धीमा धीमा आज को हम थोड़ा थोड़ा पका लेते हैं सब। गुलाब जल डाल सकते हैं, बाकी हमारे पास गुलाब जल नहीं है। अब हम 5 मिनट इसको बना लेते हैं, धीमे ताव पे लिए रख देते हैं 5 मिनट के लिए, ढक देते हैं। बिल्कुल धीमे आँच पर रखे हैं, आँच नहीं लगाए हैं, एकदम आस्ते आस्ते ताव पकेगा। देखिए थोड़ा सा पानी डालते हैं, बिरयानी में पानी है वही जो पहले हम रखे थे वही पानी डाल देते हैं। चारों तरफ थोड़ा थोड़ा पानी हम डाल देते हैं, 5 मिनट के पका लेते हैं, नीचे में लगेगा नहीं। अब ढक देते हैं। देखिए धीरे धीरे हम 5 मिनट कुक कर लिए, अब उतार लेते हैं। देखिए कितने बढ़िया हो गया, बिरयानी बन के तैयार हो गया। अब निकाल लेते हैं थाली में।
देखिए बिरयानी कितने बड़ी मस्त बना लिए हैं, आधा पतला में है अभी। दोस्तों बिरयानी बना लिए हम, हम काट लिए, आप लोग खाने के लिए आइए, हम खाना का शुरू करते हैं। बिरयानी खूब स्वादिष्ट हुआ है, खूब बढ़िया हुआ है, खूब बढ़िया लग रहा है। तो मुर्गा बिरयानी बनाए, आप लोग कैसा लगा वीडियो हम जरूर लिख के बताइएगा, हमारा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो का आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मिलते हैं हम लोग आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।